ईमानदारी का सरकारी सेवा में कोई मूल्य नहीं है। आईपीएस अधिकारी श्री एस वीर सिंह को बहाल करने के संबंध में भारत का संविधान मूलतः परिभाषित मौलिक अधिकारों के कारण ही अस्तित्व में है। 70 वर्ष की आजादी के बाद ये मोदी अधिकार देश की जीवनधारा से नदारद होते जा रहे हैं, परंतु शासन प्रशासन को उसकी कोई परवाह नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो रहा है, बाकी देश हित में कार्यरत ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी एवं जनता इनसे वंचित है। इससे ये धारणा सशक्त होती जा रही है कि कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी का सरकारी सेवा में कोई मूल्य नहीं है। आईपीएस अधिकारी श्री जसवीर सिंह के अकारण हुए निलंबन का है उनके द्वारा जनहित में किए गए कार्य की जितनी भी सराहना की जाए कम है। श्री जसवीर सिंह अब बहुत सारे घोटालों के विपक्ष एवं त्वरित जांच तथा माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर जनता में विशेष रूप से चर्चित रहे हैं। देश में चल रही गंदी राजनीति व पैसे के बल पर चुनाव लड़ने के विषय में इनके द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी। ऐसे ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी का तत्काल निलंबन समाप्त किया जाना अति आवश्यक है, नहीं तो जनता के बीच में यह संदेश जाएगा कि सरकार भ्रष्टाचार के प्रति गंभीर नहीं है। मऊ से HN आजमी की रिपोर्ट। उनको सजा मिले जो कि बहुत ही अनुचित है। काफी दिनों से ये मामला चल रहा है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अगली रणनीति क्या होगी आप लोगों की? अगर ऐसे ही रहा तो हम लोग एकजुट होकर के और सरकार विरोधी हम लोग जो भी गतिविधियां होंगी उसको हम लोग चलाएंगे सरकार के विरोध में। सारे सरकार भ्रष्टाचार के विरोध में काम करने के लिए कहते हैं लेकिन कर तो रहे नहीं है, तो हम लोग भ्रष्टाचार के विरोध में जबरदस्त रणनीति बनाई जाएगी उसकी, जैसा हम लोग अपने में तय कर लेंगे।